नमस्कार किसान भाइयों बहनों, वर्तमान समय में फसलों के बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए कई किसान भाई बहन ना जाकर रोग व कीट के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि बाजार में ऐसे कई जैविक उत्पाद मौजूद हैं जिनके प्रयोग से कीट और रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक के बारे में जानकारी देंगे। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लक्ष्यों को प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और विकास के लिए स्वस्थ मृदा की जरूरत है। ट्राइकोडर्मा विरिड ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम ऐसा मित्र फफूंद है जो स्वयं के विकास से पौधों के मृदा और बीज जनित रोगों के रोग कारकों को सकारात्मक रूप से बढ़ाकर जकड़ लेते हैं और उसकी कोशिका झिल्ली को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। भूमि जनित फफूंद रोग जैसे जड़ गलन, उकठा, झुलसा, तना गलन और अन्य भूमिगत रोग के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका प्रयोग बीजोपचार से फसलों को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि इसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन करके अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। ट्राइकोडर्मा रोगजनक फफूंदों के लिए विषयुक्त उत्पाद भी पैदा करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मिन, ट्राइकोविरिडिन, डर्मिडिन, या सभी जो कि बोए गए बीजों को सतह पर सुरक्षित करके मृदा जनित रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से रोग कारक जीवों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके उपयोग का प्रकृति पर कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ट्राइकोडर्मा और रोग नियंत्रण। ट्राइकोडर्मा मुख्यतः एक जैव कवकनाशी है या रोग उत्पन्न करने वाले कारकों की वृद्धि को रोक कर या उन्हें मार कर पौधों में उनसे होने वाले रोगों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा ये सूत्रकृमि से होने वाले रोगों से भी पौधों की सुरक्षा करते हैं। यह दो प्रकार से रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है। पहला, यह विशेष प्रकार के प्रतिजैविक रसायनों का संश्लेषण और उत्सर्जन करता है जो रोग कारक जीवों के लिए विष का काम करते हैं। दूसरा, यह प्रकृति में रोग कारकों पर सीधा हमला कर उसे अपना भोजन बना लेता है और यह अपने विशेष एंजाइम से तोड़ देता है। इस प्रकार रोग कारक जीवों की संख्या और उनसे होने वाले दुष्प्रभाव को कम करके पौधे की रक्षा करता है। ट्राइकोडर्मा कीटनाशकों, वनस्पति नाशकों से दूषित मिट्टी के जैविक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें कई प्रकार के कीटनाशक, कार्बोनेट समूह के कीटनाशकों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इन सभी लाभ के साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग में सावधानियां। ट्राइकोडर्मा कल्चर को उपचारित और प्रमाणित संस्था या कंपनी से ही खरीदें। कल्चर फॉर्मुलेशन 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। बीज पौधे उपचार का कार्य छायादार और शुष्क स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग ना करें। ट्राइकोडर्मा के प्रयोग के 4 से 5 दिनों के बाद तक रासायनिक कवकनाशी का प्रयोग ना करें। कार्बनिक खाद में मिलाने के बाद इसे लंबी अवधि के लिए ना रखें। ट्राइकोडर्मा एक कवक है इसलिए सामान्य 3-4 महीने तक इसकी संख्या में विशेष गिरावट नहीं आती है। समय बढ़ने के साथ इसकी प्रतिग्राम संख्या कम होने लगती है, से इसकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए पैकेट को अधिक दिन तक रखने के लिए 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी जैविक दवा ट्राइकोडर्मा से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है
1800-121-0199। आज के इस भाग में किसान भाइयों फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।